नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। मैं जहां हूं आप पीछे का दृश्य देख सकते हैं, ये झंझारपुर नगर पंचायत से नगर परिषद में परिणत हो चुके प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क का नतीजा नज़ारा है। बगल में मस्जिद है, इस साइड मदरसा है। वार्ड नंबर 2 और 1 की यह सीमा है, जिस सीमा से मुख्य सड़क गुजरती है। इस सड़क की एक बड़ी खासियत है, बरसात हो या ना हो सड़क पर पानी जरूर दिखेगा। त्रासदी यही है इस सड़क की कि बरसात के मौसम में तो पूरा कीचड़ रहता है। आप देख सकते हैं पीछे में, हमारे पीछे कई लोग भी खड़े हैं। ये लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। नगर पंचायत से इनकी मांग है कि इस सड़क के बगल में एक नाला बना दिया जाए जो NH-57 के नाला से कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ के 4,000-5,000 की आबादी को सुविधा मिलेगी। नगर पंचायत के ये लोग बाशिंदे हैं, नगर पंचायत को टैक्स देते हैं। त्रासदी यह है कि स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पंचायत के प्रशासन कहती है कि ये सड़क PWD की सड़क है, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन आम लोगों का कहना है, अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर टैक्स क्यों ले रहे हैं भैया? टैक्स ले रहे हैं तो नाला बना दीजिए। मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या परेशानी है। मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ, वाहनों की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, किस प्रकार वाहनों की आवाज़ आ रही है, किस प्रकार हॉर्न बज रहा है। आप ये जान रहे हैं कि ये त्रासदी कितनी खराब हो रही है। आप, मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल हुआ। सर इधर से समस्या सर नगर के सामने है, और जगह तो रोड में गड्ढा होता है, यहाँ गड्ढे में रोड है सर। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आने जाने में। महिलाएं गाड़ी पे रहती हैं तो बराबर गिर जाती है, इतना बड़ा गड्ढा है। प्रशासन को बार बार इस रोड से आना जाना होता है। कम अज कम प्रशासन इस रोड से गुजरते हैं, मधुबनी जाते हैं, दरभंगा जाते हैं, आना जाना होता है, और वो लोग देखने के बावजूद मौन व्रत रखे हुए हैं। कम से कम इस जानिब ध्यान देना चाहिए था। बहुत परेशानी होती है सर, इतनी परेशानी होती है जिसको बयान नहीं कर सकते हैं। आने जाने वालों, कभी कभार तो ऐसा होता है कि महिलाएं गाड़ी से गिर जाती हैं। इन्होंने बताया कि कितनी परेशानी होती है। मैं इस क्षेत्र के रहने वाले, वार्ड नंबर कितना के आप रहने वाले हैं? वार्ड 2 के रहने वाले। क्या नाम हुआ सर? प्रशांत राज नाम हुआ हमारा। आप बताएं क्या यहाँ की समस्या है और क्या आपकी मांग है? हम लोग का मांग यही है कि जो यहाँ पे नाला बने, नाला जो NH-57 से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये सारी समस्या का हल हो जाएगा। और जब तक नाला का समाधान नहीं होगा तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति अभी है। बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, और ये मेन सड़क है यहाँ से जुड़ा हुआ झंझारपुर का, और जो भी तरह की समस्या यहाँ पे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग का मांग है कि NH प्रशासन जल्दी से इस पे ध्यान दे। माननीय विधायक जी से भी अनुरोध है कि वो भी इस पे ध्यान दे और यहाँ पे नाला का सुविधा इस बरसात होने से पहले करे। अगर बरसात आ गया तो फिर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। नाला के लिए आप लोगों ने नगर प्रशासन से आवेदन दिया था? नाला के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था, पर नगर प्रशासन के तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? जी, क्या नाम हुआ? गजेंद्र कुमार झा। क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये है कि सर, रोड का जो जल जमाव होता है, यहाँ पे पानी हो चाहे नहीं हो, जल जमाव पूरा होता है। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि गड्ढे, रोड में गड्ढे मिल रहे हैं, हर एक जगह गड्ढे मिल रहे हैं। और यहाँ पे प्रशासन से एक ही मांग कर रहा हूँ, या PW से, कि जब यहाँ पे घटना नहीं होगा तभी यहाँ पे प्रशासन एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इमरान आदम। कहाँ वार्ड हुआ? ये वार्ड नंबर 2 से हम बोल रहे हैं। जी 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 जी, हम लोगों के यहाँ पे है ना नाला की मांग है, इसलिए हम लोग अभी रोड पे आए हुए हैं। यहाँ पे है ना बहुत हम लोग को कठिनाई कर रहे हैं, नाला की वजह से हो रहा है। यहाँ पे बारिश हो या ना हो, हर वक्त यहाँ पे पूरे साल पानी का जल जमा होते रहता है। यहाँ पे हर आने जाने वाले को, सबको यहाँ पे पानी दे के जाना पड़ता है। और कई बार तो ऐसे होता है कि यहाँ पे गाड़ी से गड्ढा में जाने के अनुसार कितने आदमी यहाँ से गिर भी पड़ते हैं। इसलिए हम सरकार से और यहाँ के जो विधायक वगैरह, हम उससे एक ही अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे जितना जल्दी हो सके यहाँ पे नाला बना दे, जिससे हम लोग को और ये बारिश के पानी और ये नाला से हम लोग को निजात मिले। एक अदब नाला की मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 5 मिनट के लिए इस कीचड़ की दृश्य को मैं जब दिखाने आया तो कितनी लंबी लाइनें लग गई है। ये झंझारपुर जाने वाली मुख्य सड़क है, और इस सड़क में ये नाला
ये गड्ढे आप यहाँ भी कैमरामैन दिखा सकते हैं किस प्रकार, बगल में कीचड़ पड़ा हुआ है जहाँ पर जान अगल बगल लोगों को दिक्कत होती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि बगल में मस्जिद है, वार्ड नंबर 1 और 2 का ये जो सड़क है इसके दोनों साइड में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, मदरसा है, मस्जिद है, जहाँ लोगों को जाने में दिक्कत होती है, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। शुक्रवार को सड़क का नज़ारा इतना ख़राब रहता है कि परेशानी है। मात्र एक अदद नाला की मांग कर रहे हैं। भाई साहब आपका घर इसी वार्ड में है? जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली हसन। क्या दिक्कतें होती हैं आपको? दिक्कत सर यहाँ हमेशा बरसात हो चाहे पानी हो ना हो, पानी की समस्या यहाँ रहती है। और नगर पंचायत से अब नगर परिषद हो गई है, लेकिन विकास जो है 22.5 के एवज में है, इसीलिए नगर परिषद से अब अनुरोध किया जा रहा है कि इस लाइन में या तो एक वार्ड में या एक वार्ड 2 में किसी तरफ से नाला का प्रक्रिया किया जाए और NH 57 से के नाला से कनेक्ट कर दिया जाए। NH 57 से नाला कनेक्ट कर दिया जाए, यही मांग कर रहे हैं। और भी हमारे साथ कोई बुजुर्ग हैं, आइए। हाँ क्या समस्या? मोहम्मद रहमतुल्लाह अंसारी, वार्ड नंबर 2। जी जी। सबसे तो कठिनाई होती है यहाँ पब्लिक और जो स्कूल बच्चे जो सब जाते हैं राहगीर को, वो दिख रहा है। दिख रहे हैं आप। दूसरी समस्या ये है कि नाला आज तक कहते कहते नगर पंचायत से 1 नंबर वार्ड हो या 1 नंबर 2 हो, कहते कहते थक गए, हैया बन रहा है। आप योजना सिर्फ निकालते हैं और कागज पर में माल सिर्फ डील करते हैं आप लोग नगर पंचायत में। मतलब नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही है? लापरवाही बहुत लापरवाही। इससे पहले 1 हफ्ता पहले हम गिरे हैं, जो कि हम बहुत आदमी गिरे हैं। हम एक मिनट जल्दी से हम बोले हैं, चौकीदार से भी बोले हैं, अप्लाई किए थे, इंस्पेक्टर साहब से भी बोले थे कि सर देखिए ये समस्या है, आप भी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए जुमा को, बहुत दिक्कत है यहाँ, गंदगी है बहुत। तो बोले कि हाँ इसका हम किए हैं, इन लोगों को बुलाए हैं कि पानी का कुछ समाधान हो, तो समाधान तो होगा तो नगर पंचायत से होगा, वार्ड नंबर 1 या वार्ड नंबर 2 का कोई साइड एक नाला बन जाना चाहिए जो 57 से जुड़ जाया जाए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सभी लोगों से कि समस्या तो है, नाला के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अब तक नाला बना नहीं है और नगर पंचायत से नगर परिषद हो गया, चुनाव आने वाला है, क्या आप लोगों का फैसला होगा? यह आ गया है अब चुनाव, नाला नहीं बने तो क्या? 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड का जनता, हम लोग बहिष्कार करेंगे, नहीं जाएंगे पोलिंग करने के लिए। मतलब नाला चाहिए, नाला अगर वोट चाहिए तो नाला। हाँ पहले चाहिए नाला, पहले उससे पहले माने इलेक्शन से पहले नाला चाहिए, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे जी। सभी लोगों की मंशा है कि नाला चाहिए, नाला चाहिए, नाला मंशा है। एक मंथ के अंदर हो, यहाँ बच्चे बच्चे जाते पढ़ने के लिए, यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते पढ़ने के लिए बच्चे बच्चे गिर जाते हैं, फिर उनको फिर घर वापस जाना पड़ता है, फिर से उसको रेडियो के फिर क्लास जाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ। यहाँ के वो कोई सुनने वाले नहीं है, बस वोटिंग के लिए आए, वोट मिला अपना घर बैठ गए। बस सर आपका? अतिकुल्ला अंसारी। आपका इसी वार्ड में है? हाँ 1 नंबर। कितने दिन से ये समस्या है? कम से कम 4-5 साल से है, 5 साल के करीब से है ये। पानी तो हमेशा लगी रहती है, साल को 12 महीना 3600 दिन पानी आती कहाँ से? पानी वही बारिश का आता है, बारिश का आता है, घर का रोड के अगल बगल में घर है, पानी कहाँ पाएगा, गटर नहीं रहेगा तो। बगल में भी कोई पानी निकासी का कोई साधन नहीं है? निकास है। तो आप लोगों का मांग तो है नाला, नाला एकदम नाला, नाला अगर सही से नहीं बना तो इस इलेक्शन में वोट मांगने वाले को सबक सिखाएंगे, नहीं सबक सिखाएंगे एकदम सबक। तो हम पहले बहिष्कार करेंगे, आप लोगों ने सुना? अगर प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नगर प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मैं अभी यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने के बाद कुछ ऐसे संभ्रांत लोगों से भी बात करूंगा जो जिनका घर बगल में है, आप देख सकते हैं उनको क्या परेशानी होती है और किस त्रासदी से वो गुजर रहे हैं, मैं उनसे भी बात कराना चाहता हूं। सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुमताज अली। क्या समस्या यहां है और क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? यहां नाला के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। थोड़ा ही दूर नाला से जोड़ने के लिए जगह है, थोड़ा दूर अगर जोड़ चला जाए नाला नया तो पुराना नाला में जुड़ जाएगा।
उसमें जुड़ गया, मामला क्लियर हो जाए, खत्म। ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा? आप तो अनुभवी आदमी हैं, आप बता सकते हैं जड़ में क्या बात है। ये नगर पंचायत के वजह से नहीं हो रहा है, वो नहीं चाह रहा है, वो नहीं ध्यान दे रहा है, हम लोग परेशान कहते कहते। आपने इनकी बात सुनी? ये यहाँ के सम्रांत हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने बताया कि महज एक नाला होने से इतने लोगों की समस्या समाधान हो सकती है। आप देख रहे हैं हमारे बगल में बुजुर्ग महिला हैं और इन लोगों को भी दिक्कत होती है। आप की नाम भेल अपने के? मरियम खातून। मरियम खातून जी, घर से पानी निकाले के कोनो साधन नहीं छे? सड़क पर जो पानी लगे छे तकर नाला वगैरह सब हेबाक चाहिए। पब्लिक लिया आधा हमरा लिए वोट जे दै छिए तो तखन नहीं कहै छियै नाला बना दिया? कहै छियै, वोट गिरवा दै छै, धनिक भए जाइ छै, जीत जाइ छै, हमरा आरके नहीं दै छै, नहीं दै छै, हमरा घरो रहै कना दुआरा ये छै, पानी के व्यवस्था कतर। आगे की नाम भेल? हमर आदिशा नाम यै। आदिशा चाची, वार्ड पार्षद जकरा अहाँ जीत देलियै, अहाँके वोट से जीतल ओ जे छै वार्ड पार्षद की कहलक? कोटा वार्ड ने हमरा आरके घुस के कहैया कोनो चीज। एबरा फेर वोट मांगे ला की कहबै? देखिए बुजुर्ग महिला जो है सो आक्रोशित है, आक्रोश में भी बोल रही है। इन लोगों का सीधा कहना है कि इस बार जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे उनको सीधा जीत के जाते हैं, आते नहीं हैं, नाला का आश्वासन देते हैं, नाला बनाते नहीं हैं, बता रही हैं महिला जो कि नजर में। क्या नाम हुआ आपका? मामा रोजी परवीन। रोजी परवीन जी बता रही हैं जी कि घूम के नहीं आते हैं, कोई सहायता नहीं करते हैं। इस बार लोगों ने मन बना लिया है, नाला नहीं तो वोट नहीं, नाला नहीं तो नहीं, नाला नहीं तो नहीं। आपने सुना इनकी बातों को? इस बार नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद के घर पर मैं हूं, उनके प्रतिनिधि, क्या नाम बताया आप? मोहम्मद रिजवान जी मेरे साथ हैं। वार्ड पार्षद जी का क्या नाम है? अमीना खातून। अमीना खातून जी वार्ड पार्षद हैं। अभी जो जल जमाव नगर पंचायत के मुख्य सड़क पर लोगों का जो आक्रोश दिखा है, मैं इनसे जानना चाहूँगा, चूँकि वार्ड प्रतिनिधि यही हैं, सारे काम को भी देखते हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने कार्यकाल में साढ़े चार साल, पाँच साल आपका बीत चुका है, ये समस्या है पानी की? पानी का समस्या है। जब हम 2017 में जीत के आए, प्रतिनिधि के रूप में काम किए, तो फर्स्ट हम वही नाले के बारे में दिए हुए थे जी। तो वहाँ नगर पंचायत से हमको बोला गया, सो ये हमसे भी पहले दिया हुआ है, सो ये RWD का सड़क है, यहाँ पे नगर पंचायत से काम नहीं होगा, RWD रोड का चौड़ीकरण करेगा, उसी के माध्यम से नाला और रोड दोनों का काम हो जाएगा। अच्छा। तब से काम स्थगित है, वहाँ पे है स्थिति गड़बड़ है। स्थिति वहाँ गड़बड़ है, इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन RWD या PWD जिनका भी वो सड़क हो उसका बहाना कर वहाँ पर नाला निर्माण नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं आपके संज्ञान में यह भी बता देना चाहता हूँ कि थाना चौक से सुखेत जाने वाली एक सड़क है, वह सड़क भी इसी दोनों विभाग में से किसी एक की सड़क है, उसके बगल में करोड़ों का नाला नगर पंचायत ही बना रही है। और यहाँ पर इस बात को बताया गया है, वार्ड पार्षद महोदय बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और नाला नहीं बना है। अभी फिलहाल आप क्या, और आप चूंकि इलेक्शन आने वाला है, आप इन बातों को जनता को कैसे समझाएंगे कि मैंने प्रयास किया और नाला नहीं बन पाया? जनता को यही कहेंगे सो हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं सो वहाँ पे नाला हो जाए जी। वहाँ जरूरी है पानी, सारे घर की वहीं पर निकलती है। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी इस है। दोनों सड़क के अगल बगल में मस्जिद भी है? हाँ मस्जिद भी है, पीछे पश्चिम साइड में मंदिर भी है, मदरसा भी है। मदरसा भी है, वहाँ पे है दिक्कत, नमाज पढ़ने वाले को भी पानी होके जाना। हाँ हाँ दिक्कत है जी। इन्होंने बताया है कि मस्जिद में जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, मंदिर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क झंझारपुर नगर पंचायत प्रवेश करने का मुख्य सड़क है, और इस सड़क में हमेशा वाहनों की रलमपेल लगी रहती है, लोग साइकिल से जाते हैं, गिरते हैं, त्रासदी यह है
कि अब तक 5 वर्ष इस कार्यकाल का बीत गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना से संभवतः वो बना था जिस समय में वीरेंद्र कुमार चौधरी जी एमपी हुआ करते थे। उसके बाद सड़क जैसे तैसे अपना टूट रही है, बन रही है, लेकिन मुख्य बात यह है कि किसी भी सड़क पर अगर साल के 365 दिन पानी लगा रहेगा तो लोगों को समस्या होगी। और लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया है कि नाला नहीं, तो आप जानेंगे, वो बताते हैं। लोग पूरे तनमय से इस निर्णय पर आए हैं कि हमें नाला चाहिए, जल जमाव से मुक्ति चाहिए, नाला नहीं तो नहीं। मेरी आवाज़ नहीं, इनकी आवाज़ है, नाला नहीं तो नहीं। इन्होंने बता दिया नाला नहीं तो वोट नहीं। मैं हूं कन्हैया ठाकुर, बिहार 24 सबसे सामना। ऐसे ही समस्याओं के साथ आपके साथ आपके गांव में आपके मोहल्लों में जाने के लिए तत्पर है। कहीं भी आपको लगे मेरी कोई भी ऐसी मदद, मेरी कोई भी ऐसी न्यूज की जानकारी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी ऐसा हो आप हमको कॉल करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आऊँगा। और जन प्रतिनिधि को जागना होगा, जनता के वोट से जन प्रतिनिधि बनने वाले लोगों को जनता की समस्या को समझना होगा। अगर जनता की समस्या का वास्तविक निदान नहीं किए तो उन्हें चुनाव में विरोध भी झेलना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है। नमस्कार।